Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. Dear kids, today we will start our lesson number 6, Feeding Habits of Animals. Okay, as the name indicate, Feeding Habits of Animals. कि animals की जो feeding habit है, means खाने की आदतें हैं. So, let us start our topic. Yes, dear kids. Now, see the picture carefully. अब आप इस picture को देखिए. इस picture में दो kids दिए हुए हैं, है ना? Now, what is the similarity between these two kids? इन दोनों में क्या similarity है? Yes, both of these are smiling. कि दोनों जो हैं वो हंस रहे हैं, smile कर रहे हैं. लेकिन इन दोनों में एक difference भी है. बता सकते हो क्या? Look at the picture carefully. कि दोनों में क्या difference है? Yes, if you guess it. क्या difference है दोनों में? In first picture, जो पहली picture है, उसमें जो हमारा baby है, उसके teeth नहीं है, ठीक है? लेकिन जो हमारा सेकंड बेबी है उसके क्या है? तीन. सो अब क्या ये दोनों बेबीज एक ही तरफ का फूड खा सकते हैं? नो, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला बेबी है जिसके तीथ नहीं है, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? लिक्विड फूड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके तीथ नहीं है तो वो सॉलिड फूड नहीं खा पाएगा. लेकिन जो नीचे वाला पिक में बेबी है, ही इज हैविंग तीथ, उसके तीथ है तो वो सॉलिड फूड को भी खा पाता है. तो इन अ सेम वे हमारी जो फीडिंग हैबिट्स हैं, हमारी भी और एनिमल्स की भी जो फीडिंग हैबिट्स हैं, वो है डिफरेंट डिफरेंट. ओके, और उनकी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनके जो टीथ हैं वो भी क्या है? डिफरेंट है. सो क्लियर बेटा? सो इन टुडे चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि उनकी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप के एनिमल्स हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ टीथ अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स. सो शैल लेट अस स्टार्ट. यस माय डियर किड्स, Now, as I told you, today we will discuss about the feeding habits of animals. Feeding means khana, habits means aadatein of animals, animals ki. Ki animals ki jo khane ki aadatein hain, unki feeding habits hain, aaj hum uske baare mein padhenge. Clear beta? As I told you, jaise maine aapko bataya ki har ek animal ki, hum jitne bhi human beings hain, ठीक है, हम सबका जो फीडिंग हैबिट है, हम सबकी जो खाने की आदतें हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड्स खाते हैं. इन अ सेम वे जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं. ठीक है, हेयर सम पिक्चर्स आर गिवन, और आपको उसको देखना है कि वो क्या खा रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसको आपको नीचे गिवन टेबल में फिल करना है. क्लियर बेटा? तो सबसे पहले जो पिक्चर है वो किसकी दी हुई है? एलिफेंट की. व्हाट ही इज ईटिंग, वो क्या खा रहा है? What is he doing? वो क्या eat कर रहा है? Grass, एक plant को खा रहा है. Clear हो रहा है picture में? Next आती है picture of cat. आप देखिए, what is cat doing? वो किसको eat कर रही है? Cat is eating a small other animal. वो दूसरे other animal को खा रही है. Next picture of, किसकी picture है ये? Do you recognize this? आप इसको पहचानते हो? Yes, he is a bear. वो किसको खा रहा है? एक small सी fish को खा रहा है. Clear है? नेक्स्ट अगेन पिक्चर में कौन है? बियर. नाउ अब ये क्या ईट कर रहा है? अब ये प्लांट्स के बीच में बैठा है, इट मींस अब ये प्लांट्स खा रहा है. क्लियर बेटा? नाउ द नेक्स्ट वन इज काउ. अब काउ क्या खाती है? सभी को पता है, ग्रास. नेक्स्ट पिक्चर में कौन है? लॉयन, किंग ऑफ जंगल. लॉयन कौन होता है? किंग ऑफ जंगल. अब ये क्या ईट कर रहा है? इसने किसको खाया हुआ? देखो मार के किसको खा रहा है ये? ज़ेब्रा. किसको ईट कर रहा है ये? ज़ेब्रा को. यस डियर किड्स, नाउ नेक्स्ट एनिमल इज फॉक्स. ये क्या ईट करती है? ये डेड एनिमल्स को ईट करती है, ठीक है, उनको खाती है. क्रो, ये हमारे ग्रेन्स भी खाता है और छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स को भी खाता है. नेक्स्ट आता है रैबिट. रैबिट किसको खा रहा है? देखो गाजर, कैरेट. नेक्स्ट है हमारा जो आपका क्रोकोडाइल, ये किसको ईट कर रहा है? फिश को. अब आपने इन सभी एनिमल्स को देख लिया कि कौन सा एनिमल क्या खा रहा है, ठीक है. नाउ आपको इनको कैटेगरी कर रहे हैं, कैटेगराइज करना है इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में. फर्स्ट है हमारा एलिफेंट. अब एलिफेंट किसको खाता है? एनिमल्स ईटिंग प्लांट्स एंड लीव्स. कि अब आपने इनको चार कैटेगरी में डिवाइड करना है कि वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, एनिमल्स हंटिंग अदर एनिमल्स एंड ईटिंग दैम, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं और उनको फिर खाते हैं. तीसरी कैटेगरी होगी एनिमल्स ईटिंग बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, कि ऐसे एनिमल्स जो दोनों को प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी मार के खाते हैं. एंड लास्ट कैटेगरी इज एनिमल्स ईटिंग रिमेन्स ऑफ द डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स के रिमेन्स को खाते हैं. तो हम स्टार्टिंग करते हैं एलिफेंट से, ठीक है. हमारा जो फर्स्ट है एलिफेंट है, वो किसको ईट करता है? क्या खाता है? सिर्फ प्लांट एंड लीव्स. तो यहाँ पे आएगा ये.
सेकेंड है कैट। कैट दूसरे एनिमल्स को लाइक माउस वगैरह को हंट करती है, ठीक है, उसको शिकार करती है, उनका हंट करती है, फिर उनको मार के खाती है, तो ये आएगी सेकेंड कैटेगरी में। थर्ड आता है हमारा बियर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें खाता है, ग्रास भी और दूसरे एनिमल्स को भी, इसलिए ये आएगा हमारी थर्ड कैटेगरी में, एनिमल्स ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट इज काओ। काओ सभी को पता है ये सिर्फ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स पे डिपेंड करती है, लीव्स पे डिपेंड करती है, तो ये अगेन आएगा फर्स्ट कैटेगरी में। नेक्स्ट लॉयन, विच इज़ नोन एज द किंग ऑफ जंगल, ये भी सभी को पता है क्या खाता है, ये दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है, उनको हंटिंग करता है, देन ईट करता है, तो ये किस में आएगा, सेकेंड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी इज योर कैटेगरी ऑफ फॉक्स। अब फॉक्स क्या चीज़ खाती है, इट रिमेन्स द डेड एनिमल्स, ये डेड एनिमल्स के रिमेन्स पे डिपेंड करती है, तो ये हमारी लास्ट कैटेगरी में आएगी, क्लियर। फिर आता है क्रो। अब क्रो जो है मैंने आपको बताया ये दोनों चीज़ें खाती है, ठीक है, आपके ग्रेन्स को भी खाती है और स्मॉल इंसेक्ट्स को भी, तो ये आएगी थर्ड कैटेगरी में। फोर्थ आ गया रैबिट। रैबिट आएगा फर्स्ट कैटेगरी में क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन है, ये सिर्फ क्या खाता है, प्लांट्स, कैरेट्स वगैरह। एंड क्रोकोडाइल, ये हंट करता है और फिशेस को खाता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको पता लग गया कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड का फूड खाते हैं। अगर आप लॉयन को कहो कि वो, ये लॉयन के सामने आप ग्रास रख दो, अब यस बेटा, अगर हम अपने लॉयन के सामने ग्रास रख दें, ठीक है, उसके खाने के लिए, क्या वो खाएगा, नहीं, क्योंकि उसका जो फूड है वो क्या है, डेड एनिमल, वो दूसरे एनिमल्स को शिकार करके उनको खाता है, वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है, तो वो नहीं खाएगा। ऐसे ही अगर आप काओ के सामने आप फ्लैश रख दीजिए, वो नहीं खाएगी क्योंकि वो क्या खाती है, सिर्फ ग्रास ईटिंग, ठीक है, ग्रास या लीव्स खाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वो लेते हैं, क्लियर बेटा। और एनिमल्स को फूड क्यों चाहिए, हमें क्यों फूड चाहिए होता है, मैंने आपको बताया था, फॉर आवर ग्रोथ एंड एनर्जी, सो डैट कि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले और हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके अपना डिफरेंट टाइप का वर्क करने के लिए। अब आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, तो हमने इनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग, इनकी खाने की हैबिट्स के अकॉर्डिंग हमने इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, क्लियर। सो आगे हम पढ़ते हैं कि इनको किस किस कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। तो हमारी सबसे फर्स्ट कैटेगरी है, यस डियर किड्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज herbivorous animals, ठीक है। As I given you the some examples, here the picture are given of these animals like cow, giraffe, elephant, monkey and goat. All these animals, है ना, जितने भी animals हैं वो क्या eat करते हैं, क्या खाते हैं, cow है, goat है, giraffe है, monkey है, elephant है, ये क्या eat करते हैं, मैंने भी आपको बताया था chapter जब हमने start किया है, तो क्या eat करते हैं ये, All these animals eat small plants or other parts of a tree. Cow, goat, giraffe, monkey and elephant, ये जितने भी animals हैं ये क्या eating करते हैं, eat small any plants or the parts of a tree. यानी कि small small plants खाते हैं और tree की जो branches खाते हैं उनको खाते हैं, इसीलिए इन animals को हम क्या कहते हैं, herbivorous, ठीक है, herbivorous, herb means प्लांट्स, क्लियर हो गया बेटा, हर्ब मीन्स प्लांट्स, सो वी कैन से द प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है उनको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरस एनिमल्स, क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है कि हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस, क्लियर बेटा। और एग्जाम्पल आप दोगे, आपको पता ही है, काओ है, गॉट है, बफेलो है, एलिफेंट है, तो दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ईटिंग एनिमल्स, क्लियर बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज कार्निवोरस एनिमल्स, क्लियर बेटा। अब कार्निवोरस एग्जाम्पल्स, लुक एट द पिक्चर, एज आई टोल्ड यू, लॉयन विच इज द किंग ऑफ जंगल, वो क्या ईट करता है, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल का वो हंटिंग करता है, उनको शिकार करके फिर खा लेता है ना। ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फॉक्स का भी, ओके, ऐसी हाइना है, लेपर्ड होता है, ऐसे बहुत सारे अदर एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल का हंटिंग करके उनको खा लेते हैं। कुछ एनिमल्स तो हंटिंग करके खाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हंटिंग नहीं करते, लेकिन मान लीजिए अब लॉयन है, लॉयन ने ज़ेब्रा को हंटिंग किया, शिकार किया और उसको खा लिया, अब उसको खाने पूरा नहीं खा पाया, उसको जितनी भूख थी उसने खा लिया, बाकी जो लेफ्ट ओवर बच गया, जो उसका बच गया, वो बचा खुचा कुछ दूसरे एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, वो डेड एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, वो खुद शिकार नहीं करते, लाइक हमारा फॉक्स है, वल्चर है,
ये डेड एनिमल्स को खाते हैं, ये एनिमल्स का शिकार खुद नहीं करते, ये दूसरे एनिमल्स का जो बचा कुचा है ये उनको खा लेते हैं, और इसीलिए इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। क्लियर बेटा? कि एनिमल्स लाइक लायन, हाइना, स्नेक एंड फ्रॉग विच हंट अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स का हंटिंग करते हैं उनको खा लेते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स पे ईट करते हैं उनको खाते हैं। तो सच एनिमल्स विच ओनली ईट अदर एनिमल्स, अब ये सिर्फ अदर एनिमल्स को ही खाते हैं, चाहे तो ये उनका हंटिंग करें पहले, चाहे फिर ये डेड एनिमल्स को खाएं, तो इसलिए इस एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। क्लियर बेटा? सो फर्स्ट टाइप हमने कौन सा किया, हर्बीवोरस एनिमल्स, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स थे। सेकेंड टाइप हो गया आपका कार्निवोरस, जो कौन से हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फिर चाहे वो हंटिंग करके हो चाहे फिर वो डेड एनिमल्स का हो। क्लियर बेटा? नाउ द थर्ड वन, यस बेटा, द थर्ड वन इज ओमनीवोरस एनिमल्स। अब एज आई गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ बियर, ह्यूमन बींग्स है ना, और क्रो, तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स विच ईट बोथ, जो दोनों चीज़ों पे फीड करते हैं, वो ग्रेन्स भी खाते हैं यानी कि स्मॉल स्मॉल प्लांट्स को भी ईट करते हैं, और साथ ही साथ फ्रूट्स भी खाते हैं, लाइक बियर यहाँ पे दिखाया हुआ है फ्रूट खा रहा है, वाटरमेलन खा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बियर है वो क्या खा रहा है, वो फिश को खा रहा है। ऊपर देखिए पिक्चर में, यहाँ पे जो क्रो है, व्हाट इट इज़ ईटिंग, वो वहाँ पे मेज के ग्रेन्स खा रहा है, यहाँ पे वो एक रैट को खा रहा है ना, डेड है वो ऑलरेडी। इसी तरह से माउस भी, आपके घर में भी कई बार आपने देखा होगा माउस होते हैं, अगर आपके कोई फ्रूट बाहर पड़ा हुआ है वो उसको खा जाते हैं। तो इन अ सिमिलर वे जो हमारे ये एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, दे ईट बोथ, वो छोटे छोटे प्लांट्स पे, ग्रेन्स पे, सीड्स पे भी डिपेंड करते हैं, एज वेल एज सो दूसरे डेड बॉडीज को भी खाते हैं। तो इसलिए इस तरह के एनिमल्स को हम कहते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। क्लियर बेटा? तो दिस इज आवर थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी, हर्बीवोरस एनिमल्स, जो प्लांट ईटिंग हैं। सेकेंड कैटेगरी कौन सी थी, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। एंड द थर्ड वन इज ओमनीवोरस एनिमल्स। ओमनीवोरस मतलब जो आपके बोथ प्लांट को भी खाएं और एनिमल्स को भी खाएं, तो इनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स। क्लियर माई डियर? सो माई डियर किड्स, वट वी हैव डन टूडे, विद लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड, है ना, हैबिट ऑफ फूड ईटिंग, कि वो क्या खाते हैं उसके बेसिस पे हमने अपने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया थ्री कैटेगरीज में। सो दिस इज ऑल फॉर टूडे माई डियर किड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स तीनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर बेटा? वट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स एनिमल्स विच आर लिविंग अराउंड योर होम, ठीक है, आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। आप एक लिस्ट बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे, और उसमें आप लिखेंगे एक तरफ हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स, और उसमें उन एनिमल्स के पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो उन एनिमल्स की जिसको आप अपने घर के आसपास देखते हो। क्लियर बेटा? आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू माई डियर किड्स।